वेलकम टू ओडिया स्कूल। आमे 10th बोर्ड क्वेश्चन करूथले 2019 रो बीएससी बोर्ड क्वेश्चन। आरो आमे आज कोन करिबा पार्ट 4 करिबा। पार्ट 4 रे क्वेश्चन नंबर केते अछि ना क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 क्वेश्चन जे आमे करिबा बुझिबा। एडा होथि ज्योमेट्री पोर्शन कारण हमरो आफ्टर 25 क्वेश्चन नंबर 25 जाय अलजेब्रा पढे। 25 पर सब 26 रो 50 जाय एडा होथि हमर कोन ज्योमेट्री पढे हैला। ज्योमेट्री ताहले ज्योमेट्री पिला माने बहुत कष्ट हुए बुझिबा को तरे सहज रे बुझिबा। जदि देखि दबो क्वेश्चन उडा केमति आसुची तमे कैलकुलेशन करे सहज हबो माने चित्र इमेज नै कि कला लोग बहुत लेट हुए। 31 क्वेश्चन कोन दै छी ना गोटिए वृत्तर दुटी ज्या एतिकी ओ एतिकी पी क्यू आर एस परस्पर को टी बिंदु रे छेद करंती। ताहले गोटे र वैल्यू दै छी दे देला हम कोन करियो फर्स्ट गोटे वृत्त कर दबा। वृत्त करले गोटे ए वृत्त रे PQ और RS परस्पर T बिंदु रे छेद करंती। PQ और RS कोन दीटा ज्या मु जदे एटा को नेली PQ एटा आ गोटे नेले कोन RS ताले ए दीटा छेद करंती कोठी ना T बिंदु रे। एटा छेद करले त एटा होची हमर T बिंदु। ताले P और T ए एउ टू एति की P और T होची केते 2 सेंटीमीटर। Q और T एटा होची 6 सेंटीमीटर। R और T एटा होची 3 सेंटीमीटर। ताले ST एटा पचाछ एटा केते ताले हमर देखो वृत्तर हमर ज्या जदि दैतिबो ताले कोन हो पी आर टी आरो डायरेक्ट फार्मूला भी अछि पी आर टी एटा मु बुझै दिए तापर कहि देबी। तो इटा हम कोन नबा देखो ए दीटा दैछि ताले हम एटा को जदि हम जोड़ी देबा ताले ए दीटा ट्रायंगल हे गेला। को ट्रायंगल ना क्यू आर टी ओटे ट्रायंगल पी टी एस बा पी एस टी ओटे ट्रायंगल। ताले ट्रायंगल हम दीटा ट्रायंगल लेखिबा ओटे होछि कोन टी आर क्यू ता माने ए ट्रायंगल टा आ एडा होची आ गोटे को ट्रायंगल कोन पी टी एस ट्रायंगल। ए दीटा ट्रायंगल भितरे तो एई चाप उपरे क्यू एस चाप उपरे एई कोण आ एई कोण तेन को एई ट्रायंगल दीटा रे दीटा कोण सर्वसम होले कोण आर कोण आ का सहित समान पी कोण सहित सेमते आ का सहित होबो ना जदि एई पटटा पी आ आर चाप उपरे क्यू कोण एस कोण ताले क्यू कोण आ एस कोण दीटा भी समान होला। आउ कोण रहला ना एई कोण आ एई कोण पी आ एपट दीटा कोण भी समान ताले हमर कोण होला दीटा त्रिभुज सर्वसम होला। ताले त त्रिभुज दीटा सर्वसम हो जे हमर फार्मूला डायरेक्ट बुझिया पई मो एटा कहि छी फार्मूला हो कोण देखो ए दीटा त्रिभुज सर्वसम जे हेतु ताले त्रिभुज रो एई कोण सॉरी एई बाहु केते टी आर डिवाइडेड बाय ए त्रिभुज रो एपट बाहु पी टी इक्वल टू त्रिभुज रो एपट बाहु राइट साइड बाहु के टी क्यू बाय पी एस दीटा त्रिभुज रे अपर लेफ्ट साइड बाहु इक्वल टू राइट साइड बाहु पूरा अनुपात सहित समान। ताले अनुपात कोन अछि देखो एटा देखि देबा कोन अछि ना टी आर टी आर केते अछि टी आर अछि हमर केते बा टी केते अछि 3 डिवाइड बाय पीटी पीटी केते अछि पीटी अछि केते 2 इक्वल टू टी क्यू केते बा क्यू टी केते डिवाइड बाय टी एस बाय एस टी एटी हमर कोन हो टी एस एपुर उपर आसले कोन सेटा काम बाहु तो एबी जे बी एस ए से बोले एस टी इक्वल टू केते हो एटा 6 अछि 3 बाय 2 सपोर्ट वाला उल्टी जीवो 2 बाय 3 ता माने हर लब लब हर गुणा हे गेला। तले 3 2 6 2 2 4 4 हो जे हमर आंसर जे ऑप्शन 4 अछि डी ता माने हमर 31 रो डी टाकू हमें डार्क करिबा ऑप्शन डी हो जे हमर आंसर। 32 कोन दै छी ना दत्त चित्र रे पी क्यू आर वृत्त रो केंद्र हो छी ओ। ताले म एडी गुड बडाटा कर दउ छी आरो केंद्र बिंदु हो छी ओ। मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर एडी हमर दै छी गुड पी एटा हला क्यू ए रोड बिंदु क्यू एटा आर चापर नाम सब कोन लिखा जाय चापर हला एक्स एटा वाई एटा हला जेड। ताले पी क्यू आर चाप एटा होची कोन चापर चिन्ह अछि ताले पी क्यू आर ए चाप ए वृत्त रे हमर एटा होची कोन बृहत चाप। तो एटा बळीला केते पी जेड आर एटा ए चाप होची हमर क्षुद्र चाप। बृहत चाप रो डिग्री परिमाप दै छी केते 220 आ मेजरमेंट ऑफ पी जेड आर पी जेड आर त माने पी जेड आर ए कोणटा केते पचछि। तले आमे जानि छे वृत्त रे दीटा चाप बृहत चाप डा होची क्षुद्रतम चाप चाप रो पी क्यू आर चाप रो विपरीत चाप कोडा विपरीत चाप हो के पी जेड आर। तले ए चाप अंतर्लिखित ए चाप रो अंतर्लिखित कोण हला पी जेड आर रो अंतर्लिखित कोण आमर आमर फार्मूला अछि कोण ना एटा डायरेक्ट फार्मूला बिले माने आमर एटा ल गोटे चाप मन कर जो जो चाप होइतिबो तार विपरीत चाप रो अंतर्लिखित कोण केते हबो ना ए जो चाप दो चापटा आमर बडो चापटा से चाप रो
हाफ हम मानते अधा हम ये हम फर्मूला कौन हम ये चापर डिग्री पर माप देते दुश कोड़े डिग्री आर विपरीत चाप के आर अंतर्लिखित कोण कौन ये आर विपरीत चापर अंतर्लिखित कोण कौन हम अधा हम मैंने बै टू के शहे दस आंसर हूँ पी जेड आर कौन ये कौन टाइम केव शहे दस डिग्री ऑप्शन अच्छे सी सी आंसर है शहे दस डिग्री थर्टी थ्री कौन देखिए देख थर्टी थ्री देर वृत्तर पी आर एक व्यास मैंने केन्द्र बिंदु हेले हूँ कौन पी आटा आर एट जो गोटे व्यास है पी क्यू आर एटा तो आम फर्मूला कारण पी क्यू आर ये हूँ बापट जो भी हूँ तो ये टोटाल चापटा आमर कोणटा चापर आरंभ चापर शेष तो ये आम केन्द्र ठारे केिग्री कोण याग्री कोण या टोटाल मैं शहे अशी डिग्री आंसर हूँ कौन डी शहे अशी डिग्री तर ये परिमाप पचार शहे अशी डिग्री सब व्यासटा है मैंने तुम शहे अशी डिग्री ही कर टोटाल तीन सौ षाठी डिग्री व्यास करदे मैंने गोटे पटा हूँ कैसे शहे अशी डिग्री पे भिडियो को बुझी पार्टी लाइक करूँ सांग सेयार करूँ आज जो मैंने नुआ देखुं चैनल को सब्सक्राइब करूँ सहजे भिडियो गुड़िक जल्दी जल्दी पाइपर एटा कह कोण माप लगी डिग्री एकक आडियन एम संपर्क कौन आम जाने कौन डिग्री एकक आडियन मैंने रेडियन टाइम कौन सी लिखा जाए वन रेडियन जे के हम ना आम रेडियन आ डिग्री भितर आम देखिले आमर हूँ कौन वन रेडियन ये वन रेडियन है वन रेडियन हूँ के वन एटी डिग्री बाय पाए तो मैंने गोटे रेडियन आम के हम ना वन एटी डिग्री बाय पाए हम तो देख ये पायर मूल्य के शहे अशी डिग्री बाय बाय टू तो शहे अशी बाय टू इक्वल टू के नब्बे नब्बे डिग्री अच्छी कि ना तेल शहे अशी बाय तीन तीन सौ षाठी हवा कथा हमें ये भी अठर दिन छत्तीस तीन सौ षाठी बाय तीन तीन लगे तीन बार तेरी शहे कोड़े डिग्री हवा कथा तो ये भी हमी तो ये हूँ शहे अशी डिग्री बाय फोर इक्वल टू के पैंतालीस डिग्री हूँ तमें आम डिग्री परिमाप कौटा ठीक ये ठीक ये सब ये बुझेवाई मुझे कहली कौन कर तुम जो फर्मूला जो फर्माटे देखिए से फर्माटे करें कौन दे रेडियन टा आगे पाए बाय चार सबुर पायर मूल्य देखिए पायर मूल्य जानते शहे अशी तो शहे अशी डिड चार डिड टू हेल्ले जोटा ठीक से आंसर तो ये चित्र पचार पी क्यू आर रुतर क्यू हूँ केन्द्र आई हूँ कौन टी हूँ क्या बहिष्ठ बिंदु स्पर्शक हूँ कौन पी आर बिंदु दिटा जाक स्पर्श कर मान यही कोण टा देते अशी डिग्री तेज पी क्यू आर पी क्यू आर तो यही चापर आमर कौन ये चापर डिग्री परिमापटा के डिग्री परिमाप मान कौन चापटा केन्द्र में केते डिग्री कोण अंकन करा पचारे एटा हूँ कौन आम एटा तो डायरेक्ट फर्मूला ना ये दीटा कोण मिसिकी के हुए शहे अशी डिग्री हुए ताले कोण टा केते हबो पी ओ आर कोण ए कोण टा बा पी क्यू आर रो डिग्री परिमाप केते हबो 180 माइनस 80 केते हला 100 ताले हमर 100 होची आंसर ताले ऑप्शन बी होची हमर आंसर एडा जति के देइबो पिल माने एडा होची 180 रु फेड़ी दबो एडा मोय मोय परबो 180 रु 180 गले 100 एटी कोण दैची एई भलिया क्वेश्चन गोटे आस्ति पिले सियोर एडा गोटे क्वेश्चन आस्तु जे भलिया आमे जो पैटर्न आमे करू जे सेई पैटर्न नै पिल माने तमरा आसीबो सब बेले सेम ही आसीबो से बोर्ड क्वेश्चन को आग कली पे क्वेश्चन एग्जाम बहुत कम दिन अच्छे प्राक्ट करा पक खाली नंबर चेंज कर पकेब कि हम पक दत्तचित्र एम पी के वृत्तर केन्द्र हूँ ओ पी क्यू हूँ कौन गोटे पी बिंदुर एक स्पर्शक अटे ये बिंदुर गोटे स्पर्शक है वृत्तर व्यासार्ध देते व्यासार्ध मान कौन परिधि को टच कर केन्द्र रुमान व्यासार्ध या पीओ देते पांच क्यूओ एटा देती बार पी क्यू के जो त्रिभुज ट्रायंगल कौन समकोणी त्रिभुज है ओ पी क्यू एटा देला पांच देते बार मैंने कौन एटा हूँ कौन एटा हूँ पी एटा हूँ बी एटा हूँ एच ताले बी कौन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर कौन हम एच के ट्वेल्व स्क्वायर माइनस पी के फाइव स्क्वायर रूट ओवर बार स्क्वायर के शहे चौरालीस माइनस पांच पंचा पचीस तो ये दुटा को माइनस कले कह शहे उन्नीस तो शहे उन्नीस रूट ओवर बाहरी पारे मैंने ऑप्शन भी आंसर रे भी ऑप्शन शहे उन्नीस रूट अच्छी आंसर हूँ डी ऑप्शन को आम डाकिन करवा
ଦିଟା କୁ ଆମେ ଡାର୍କ କରିବା, ଆନ୍ସର ହଉଛି 119 ର ରୁଟ ଓଭର। ପିଲାମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର କୁ ବି ଆଗ ଦେଖିବା, ଆନ୍ସର ଟା କୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ଦେଇଛି ହେଲା, ଆନ୍ସର ର ଫର୍ମାଟ ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ଚାଲିଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ସର ଆମର ପାଇ ସାରିଥିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରୁଥିବ ଆନ୍ସର ଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତତ୍ତ୍ୱଚିତ୍ରରେ ଏବିସି ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ପର୍ଶକ ଟି ଏ, ଟି ଏ ଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ, ଟି ଏ ବି, ଟି ଏ ବି ଏଇ କୋଣଟା ଦେଇଛି କେତେ 65 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଆମର ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ବୁଝିକି ଯଦି ଉପପାଦ୍ୟ କୁ ବୁଝିଥିବ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏ ବି ସି, ଏ ବି ସି ଏଇ କୋଣ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ବି ଏ ସି ଏଇ କୋଣଟା ପଚାରିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମର ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ହୁଏ, ଏଇଟା ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ସି, ଏଇଟା ବି, ତ ଏଇ କୋଣଟା ଯେତିକି ଆମର ଏଇ କୋଣଟା ସେତିକି ହୁଏ। ଆମର ଏଇଟା ଯଦି 55 ଏଇଟା ହବ କେତେ 55, ସ୍ପର୍ଶକ କୁ ଆମର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣଟା ଏଇ ସ୍ପର୍ଶକ କୁ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସେଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ। ଏଇଟା 55 ହେଲେ ଏଇଟା 55, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ 65 ଦେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟା କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହବ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 55 ପ୍ଲସ 65, 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 55 ଆଉ 65 ମିଶିଲେ କେତେ 120, ଆମର କେତେ ହେଲା 180 ରୁ 120 ଗଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ଆମର କେତେ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ କୋଣଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇଟା 55 ହେଲେ ଏଇଟା 55 ହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା କେତେ, ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶେଇଲେ ଟୋଟାଲ ଟା 180 ନା, ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି 180 ରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ ଅଛି କଣ, ବି ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି 60 ଡିଗ୍ରୀ। 38 କଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ, କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ପି, ତାହେଲେ ପି ଆଉ ଟି ତା ମାନେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବା ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଓ ଟି ପି, ଓ ଟି ପି ଯଦି ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ ହଉଛି, ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଟଚ୍ ହୁଏ ସେଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଓ ଟି ପି ପଚାରିଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ପର୍ଶଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଅଙ୍କିତ ଯୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶକଟା ସେଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି କଣ ହୁଏ ଲମ୍ବ ହୁଏ ହେଲା, ତ ଲମ୍ବ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଇଟା କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି, ଡି ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। 39 ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ, ଏଇଟାକୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝ କଣ ନା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ, ଏଇଟା କଣ ବୁଝାଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ, ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର ଯଦି କହିଛି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବାହାରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କହିଛି ଏଇଟା କଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଲା, ତିର୍ଯ୍ୟକ ମାନେ ସିଧା, ଏଇଟା ସିଧା ତିର୍ଯ୍ୟକ ମାନେ କଣ ସିଧା ହେଲା, ସିଧା ବାଲାଟା କୋଉଟା ଗୋଟେ, ତରଳ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତିର୍ଯ୍ୟକ ପଚାରିଛି ଯେହେତୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପଚାରିଲେ ଆମର କେତେ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ନା ସିଧା ଭାବେ ଆମର କୋଉଟା ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ସିଧା କଥା, ହେଲେ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ ସିଧା ତିର୍ଯ୍ୟକ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କରି ଆନ୍ସର ହବ କଣ ସି ହବ ଆନ୍ସର ବା ୱାନ୍ ଟା, ଯଦି ସରଳ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସରଳ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। 40 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକୃତି ରାସ୍ତାର ଭିତର ଓ ବାହାର ପରିଧି ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ବୃତ୍ତାକୃତି ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତ, ତାର ଭିତରର ପରିଧି ଦେଇଛି ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତାକୃତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ବୃତ୍ତର କଣ ଆର୍ ନିଆ ହଉଛି, ଆଉ ବଡ ବୃତ୍ତର କଣ ନିଆ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, ଛୋଟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍, ବଡ ବୃତ୍ତ ବାହାରର ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍। ତାହେଲେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଛି ତା ମାନେ କଣ 2π r = 88 ମିଟର, 2π R = କେତେ ଦେଲା ପରିଧି, ଆମର ଏଇଟା ପରିଧିର ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ 132 ମିଟର। ତାହେଲେ କଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ପଚାରିଛି, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତଟା ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତ, ତ ପ୍ରସ୍ତ କେମିତି ବାହାରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ ଆର୍, ଏଇଟା ଆମର ପାଇବାର ଅଛି, ଦିଟାର ପରିଧି ମାଇନସ୍ କରିବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହଉଛି 132 - 88, ଏଠୁ ଆମର 2π କମନ ଗଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ ଆର୍, 2π କମନ ଗଲା ଏଠୁ ହେଲା କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ ଆର୍, ଏଠି କଣ ହବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ହଉଛି 44 ମିଟର, 2 × π ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22√7 × କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ ଆର୍ ଲେଖା ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 44, ଖାଲି ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଏଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ 44 × ଏଠି 7 ହରଣ ହେଇଛି, ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଗୁଣନ ହବ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଠି ଗୁଣନ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଠି ଆସିଲେ କରା ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା 22 × 44 2 କଟିଲା, ରହିଲା କେତେ 7 ମିଟର, ତା ମାନେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତଟା ପାଇଲେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ମିଟର, ତ 7 ମିଟର ଦେଖିବା ଅପସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ଅପସନ ରେ 7 ମିଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ବି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ରେ ଆମେ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କରିବା, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।